हेलो एवरीबडी, वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी टैरो 313। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रीडिंग है गाइस, हु इज़ योर ट्रू लव एंड हाउ विल यू मीट विद देम। इस पर ऑलरेडी मैं रीडिंग कर चुकी हूँ, बट वो कलेक्टिव थी। सो आप लोगों ने कहा था कि पिका ग्रुप रीडिंग भी करें, तो आपने करना ये है कि अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, ग्रुप वन ग्रुप टू, जिस ग्रुप में आपका अपना डेट ऑफ बर्थ है आप लोगों ने वो चूज़ करना है, एंड उसी में ही आपको आपकी रीडिंग मिलेगी कि आपका ट्रू लव कौन है एंड आप उनसे कैसे मिलेंगे, एंड जो भी उनकी पर्सनैलिटी की डिटेल, उनका कोई भी प्रोफेशन, ईच एंड एवरी थिंग, उनकी नेचर, उनकी पर्सनैलिटी, उनका स्टार साइन, उनका प्लैनेट, सब आगे रीडिंग में आपको पता चल जाएगा। बिकॉज मैंने ऑलरेडी पाइल्स जो हैं वो प्री शफल्ड कर ली हैं ताकि टाइम सेव हो सके। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज़ चेक इट आउट। एंड अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंशन है। If you guys are interested in English tarot reading, so you guys must have to follow me on my Instagram. And please be active on my Instagram stories for more updates and for positive motivations. Okay? वहाँ पर law of attractions भी मैं जो है वो शेयर करती हूँ, उसकी वीडियोज भी, एंड ईच एंड एवरी थिंग फॉर मोर मोटिवेशंस। सो पॉजिटिव रहना आपने, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, आपके लव के लिए। आप जितना सपोर्ट करोगे उतना चैनल्स पे रीडिंग्स आती रहेंगी। आज मैं जो कुछ भी हूँ गाइस, वो आप लोगों की वजह से हूँ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। एंड आई डीपली प्रे कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी विश कर रहे हो, आप लोगों की वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट हों और आपको सब कुछ मिले जिस चीज़ का आप इस टाइम वेट कर रहे हो और साथ साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड स्टे पॉजिटिव, जो भी आपने मैनिफेस्ट करना है, जो भी आप चाहते हो, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको पॉजिटिवली फीड करना है, ठीक है। किसी भी तरह के डाउट नहीं लेकर आने, ठीक है। सो लेट्स सी, अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लें। इट्स अ ग्रुप वन, मैं आपको क्लोज करके शो कर देती हूँ। इट्स अ ग्रुप वन, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप वन में है तो आप लोगों ने ये चूज़ करना है, ठीक है। एंड अगर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ ग्रुप टू में है, ओ भाई कहाँ जा रहे हो, ये ग्रुप टू, तो आपने ये चूज़ करना है, ठीक है। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर वन, सो गाइज अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप वन में है, आप लोगों ने ग्रुप वन चूज़ किया है, पाइल वन चूज़ किए है, सो चैनल पे न्यू है, मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मैंशन है। मस्ट फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। सो ये है ग्रुप वन। सो लेट्स सी, ऑलरेडी कार्ड मैंने शफल कर दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका मेन कार्ड कि हु इज़ योर ट्रू लव, सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है, इसका स्टार साइन एरिस लियो सेजिटेरियस हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, काफ़ी ज़्यादा लविंग एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी तरफ से, काफ़ी प्रोटेक्टिव एनर्जी है आपको अपने दिल के साथ लगा के रखने वाली, आपको बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील करवाने वाली, बहुत ही प्रोटेक्टेड फील करवाने वाली। एंड आई फील दिस इज़ अ पर्सन जो आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी इज्जत, आपकी इमोशंस की आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी इंसान का आपको रिस्पेक्ट के साथ साथ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी उसको प्रायोरिटी देना, ठीक है। वही इंसान अच्छा है और वही इंसान आपके लव को डिज़र्व करता है, जो कि आपको रिस्पेक्ट, उस आपकी रिस्पेक्ट उसके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट। एंड आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, एक तो रिस्पेक्ट है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी इज्जत करता हो और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की प्रोटेक्शन करता हो वो, तो ये वो इंसान है। इट इज़ लियो सेजिटेरियस स्टार साइन हो सकता है। एंड यहाँ पे हार्ट की एनर्जी है, डेफिनेटली आपको अपने हार्ट से लव करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इनका हार्ट चक्रा ओपन रहेगा, आपको लव शो करना, आपको केयर करना, आपको कंपैशन शो करना, काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रेस की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन की लव लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लवली है, आपको हक करेंगे, आपके साथ कोई ना कोई हार्ट टू हार्ट बात करेंगे हमेशा, शेयर करनी, काफ़ी अच्छी मुझे एनर्जी दिख रही है, आपको अपने यू नो एक सीने से लगा के रखने वाली एनर्जी है। या गाना याद आ गया, सीने से तेरे दिल को, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ है। एनी हाउ, सो बैक ऑफ द कार्ड आपके लिए मैसेज है, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, हाउ एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। मैंने आपको बताया है यहाँ पर दिल का सारा मामला ही दिल का है गाइस, तो हु इज़ योर ट्रू लव, ये इंसान आपको दिल से प्यार करेगा। क्या गलत है क्या सही है इस चीज़ का मैटर ही नहीं करता, क्योंकि ये सारा मामला ही दिल का है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको दिल से प्यार देगा। जो भी आपके लिए चूज़ करेंगे, इनकी चॉइस आप लोग होगे, जो कि इन्होंने आपको अपने दिल की पसंद से चूज़ किया होगा, इनके दिल ने आपको चूज़ किया होगा,
ठीक है, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो जब भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे तो जो इनका लाइक यू गाइज आर लाइक मेल्टिंग दिस पर्सन हार्ट, आप इस पर्सन का दिल को मेल्ट भी कर रहे हो और आप करोगे भी। आपका कहना, आपका कोई भी बात कहना इस पर्सन के लिए बहुत मैटर करेगा। आपने कह दिया दिन है तो वो कहेंगे दिन है, रात है तो रात है, समथिंग लाइक दिस। देर इज़ अ वेरी यू नो फेरी टेल टाइप ऑफ लव, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी है एंड आई लाइक इट। सारा दिल का मामला भाई, दिल का मामला है, दिल। एनी हाउ चले जी, देखते हैं आप इनका स्टार साइन, देखते हैं कुछ पर्सनैलिटी, कुछ स्टार साइंस की बात करते हैं। वैसे तो मैंने आपको स्टार साइन जनरलाइज करके बता दी है। लेट्स सी, वी हैव लिब्रा द ब्यूटीफुल माइंडेड। या इस पर्सन का माइंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी वाइज पर्सन है एंड डेफिनेटली दिस पर्सन हैव अ वेरी ब्यूटीफुल माइंड। कोई नेगेटिव थाट्स नहीं है, बहुत ही पॉजिटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक इस पर्सन की माइंड की थिंकिंग है, ऐसे दिख रहा है। मतलब किसी के बारे में बुरा ख्याल नहीं करते, ऐसे इंसान है। और काफ़ी यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी है, लिब्रा इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, स्केल की एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है ये खुद भी, और काफ़ी ज़्यादा जस्टिस लवर है ये पर्सन। का प्रोफेशन अपना भी लॉ जज से हो सकता है, किस तरह से लॉ से रिलेटेड काम है, बट डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस, काफ़ी हारमनी वाले इंसान है। अपने माइंड को भी काफ़ी बैलेंस्ड रखने वाला है, शांत रखने वाला, हर सिचुएशन में कोई भी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी कोई भी प्रॉब्लम है, ये पर्सन माइंडली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है। देन वी हैव स्कॉर्पियो द मिस्टिक। या दिस पर्सन इज अ वेरी 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 मिस्टिक पर्सन, बहुत ज़्यादा मिस्टिक इज़ ऑल अबाउट लाइक स्पिरिचुअल पर्सन, तो काफ़ी ज़्यादा स्कॉर्पियो की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा मिस्टिक एनर्जी है, लाइक काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है ये। दैट्स वाई हमेशा एक बैलेंस करके चलने वाला इंसान है, आपके साथ काफ़ी कनेक्शन में बैलेंस रहेगा, क्योंकि इनकी नेचर काफ़ी बैलेंस्ड है। दैट्स वाई बहुत ही ज़्यादा स्पिरिट से अपने आप को, इनका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो कुछ भी करना है तो उसमें ये जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिसके भी मानने वाले हैं, उनका सबसे पहले इस पर्सन के माइंड में ख्याल आएगा कि किसी के साथ अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे उसका रिवॉर्ड अच्छा मिलना है, बुरा कर रहा हूँ तो बुरा मिलना है। दिस इज़ द एनर्जी। एंड देन वी हैव 11th हाउस, कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। यस, कि इस पर्सन किसी तरह से साइंटिस्टिक्स फील्ड से हो सकता है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई काम हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी वाले पर्सन लग रहे हैं। लाइक दिस पर्सन इज़ अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन, लोगों से मिलना जुलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है इनको, ठीक है, हर एक के साथ मिल के कुछ भी करना अपनी लाइफ को, मतलब यहाँ तो इस पर्सन का बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या कम्युनिटी की एनर्जी है, काफ़ी गेट टुगेदर करना, या फिर ये पर्सन जिस जगह पे वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो मुझे दिख रहा है कोई लॉ वाला कोई फील्ड है इस पर्सन की, अदरवाइज टेक्नोलॉजी की कोई फील्ड है, या तो साइंटिस्ट है या इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डिज़ाइनर, कोई साइंटिस्ट टाइप की एनर्जी कुछ ऐसा दिख रहा है। बट हो सकता है इस पर्सन ने साइंस पढ़ी हो, यहाँ पर ये एनर्जी भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी, बट कम्युनिटी इज़ ऑल अबाउट के लाइक, हो सकता है इस पर्सन का कोई हैंड से ज़्यादा काम होता है, मतलब दिस पर्सन इज़ यूजिंग देयर हैंड्स अ लॉट इन देयर वर्क, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, काफ़ी हाथ से काम करते हैं ये, कोई इन्वॉल्वमेंट हैंड्स की ज़्यादा हो सकती है, जैसे मेरा वर्क है ना, मतलब हैंड्स की ज़्यादा होता है, तो इस तरह से कोई, मतलब जो भी काम है इस पर्सन का हाथ का बहुत यूज़ होता है। या एंड कुछ लोग हो सकता है खुद ही काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इस पर्सन के हाथ काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं। 11th हाउस की एनर्जी है, तो 11th नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस आप लोगों के लिए। या लेट्स सी गाइस मोर, हु इज़ योर ट्रू लव। नाउ आई विल चेक कि इस पर्सन की कुछ पर्सनालिटी मैं देखूंगी। दिस इज़ द न्यू कार्ड्स बाय द वे, इट्स अ वाइल्ड विस्पर स्पिरिट एनिमल ओरेकल डेक। लेट्स सी, ये जो भी आपके ट्रू लव है उनकी कुछ पर्सनैलिटी, कुछ उनकी नेचर, हैबिट्स कुछ देख लेते हैं। रूप वन, सो फर्स्ट वी हैव इज़ अ रूस्टर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस, ये ऑब्वियसली यहाँ पे स्केल की एनर्जी है, लॉ से कोई
काम है इनका या लॉ से जुड़ा कोई प्रोफेशन हो सकता है, तो डेफिनेटली काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, काफ़ी पंचुअल है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। आई थिंक ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन बिजनेसमैन भी हो सकता है, अथॉरिटेटिव है ये पर्सन। लाइक इनको पता है कि मेरी पोजीशन क्या है, मैंने किसी के साथ कितना क्लोज होना है या कितना किसी के साथ घुलना मिलना है, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। बट ये पर्सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। लाइक इनकी ऐसी पर्सनैलिटी है जो है तो काफ़ी फ्रेंडली, बट उसका एक इन्फ्लुएंस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अगर फ्रेंडली है तो कोई भी कुछ भी कह जाए, नो, अथॉरिटी है यहाँ पे इस पर्सन के पास। हो सकता है ये पर्सन खुद अपने घर में अब एल्डर चाइल्ड हो सकते हैं, बट काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्सन की, लाइक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। यस, जैसे ये पर्सन की एक आवाज़ पे सब डर जाना, ऐसी एनर्जी है। एक आवाज़ पे अटेंटिव हो जाना हर एक का, ऐसा नहीं कोई 10 बड़ी आवाज़ें दे रहा है तो उसकी तब जाके बात सुनी जाएगी, नो। एक बार किसी ने बोला, किसी ने किसी को आवाज़ दी या किसी को कुछ कहा तो वो बात इनकी मानी जाती है। किसी तरह की मुझे गवर्नमेंट जॉब से भी ये लग रहा है, ये पर्सन का काफ़ी अच्छा स्किल पे जॉब हो सकती है इस पर्सन की गवर्नमेंट में। देन वी हैव रेकॉन, इंथ्यूजिज्म, प्रॉब्लम सॉल्व एंड एडवेंचर। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है ये, माइंड काफ़ी ज़्यादा इनका ब्यूटीफुल है, तो काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी देखने वाला ऐसा इंसान है। घूमना फिरना काफ़ी पसंद हो सकता है, काफ़ी एडवेंचर है ये पर्सन। हो सकता है ये पर्सन ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हो, यहाँ पे कुछ ऐसा बिजनेस हो सकता है, कुछ ऐसा वर्क हो सकता है जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा एडवेंचर करना पड़ता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व, काफ़ी ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं ऑब्वियसली, अगर तो ये कोई ना कोई गवर्नमेंट की किसी ना किसी सेक्टर में है या फिर किसी तरह से कोई पॉलिटिकल फील्ड से है, लॉ से जुड़ी कोई फील्ड है इस पर्सन की, तो डेफिनेटली लोगों के प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करने ही करने हैं। या फिर अगर ये पर्सन किसी तरह से स्पिरिचुअल भी है, यू नो, अपने स्पिरिट्स के लिए कोई ना कोई काम करता है, तो डेफिनेटली लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना ऐसे दिख रहा है मुझे। गाइडर की एनर्जी भी दिख रही है। देन वी हैव हमिंग बर्ड, स्वीटनेस, एक्साइटमेंट एंड चीयरफुलनेस। या दिस पर्सन इज़ अ वेरी हैप्पी सोल बाय द वे, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा घूमना फिरना पसंद है, और इनकी स्पिरिट एक जो होता है ना, एक नेचर बाय नेचर बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव तो है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन काफ़ी स्वीट है। कुछ लोग होते हैं गुस्से में, अथॉरिटी है उनकी लेकिन वो गुस्से में यू नो अपनी बात मनवाते हैं, बट ये पर्सन की नेचर अथॉरिटेटिव ऐसी है कि बहुत स्वीटली अपने लोग इनकी बात मानते हैं। एक बोलने का एक वे ऑफ टॉकिंग, एक स्टाइल, एक इन्फ्लुएंस ऐसा है इस पर्सन के बोलने का, बहुत ही स्वीटली किसी के दिल में घर कर जाना, बहुत ही स्वीटली किसी को डील करना, कुछ कहना भी है तो बहुत स्वीटली कहना, कुछ अगर बिटर कोई चीज़ भी कहनी है इवन तो बहुत ही स्वीटली ऐसे कहना कि अगला इंप्रेस हो जाता है और उसी वक्त कुछ ना कुछ उनके लिए जो वो कह रहे हैं करना स्टार्ट कर देता है। तो दिस इज़ द मेन पॉइंट, ऐसी नेचर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। या सो काफ़ी एक्साइटेड है ये पर्सन, अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करने वाले, फुल मस्ती करने वाला ये इंसान है, और आई थिंक आपके साथ भी काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस इनकी जो है वो लाइफ रहेगी। यस, मुझे लगता है इस पर्सन को घूमना फिरना बड़ा पसंद है भाई। नाउ लेट्स सी, वी हैव नंबर 15 द गार्डन। या ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पे बिलीव करने वाले हैं। यस, इनको लगता है जैसे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी आप चाहते हो तो आप उसके अंदर, आपके अंदर इतनी स्किल है कि आप खुद क्रिएट कर सकते हो। दिस इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ दिस पर्सन, ऐसी पर्सनैलिटी है। नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 15 डेट ऑफ बर्थ, 6 डेट ऑफ बर्थ लाइफ पाथ नंबर इस पर्सन का हो सकता है। द गार्डन की एनर्जी है, हो सकता है इस पर्सन को ग्रीनरी बहुत पसंद है, ग्रीन कलर काफ़ी पसंद हो सकता है, वॉयलेट कलर पसंद हो सकता है इस पर्सन को, फ्लावर प्लांटिंग करनी काफ़ी पसंद हो सकती है, गार्डनिंग करनी काफ़ी पसंद हो सकती है, नेचर लवर है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को पसंद है। यस, और वैसे भी ये पर्सन नेचर को ज़्यादा पसंद करता है, मुझे ये एनर्जी आ रही है, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ अ वेरी एडवेंचरस। लेट्स सी, देन वी हैव नंबर 5 कंपैटिबिलिटी। काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, आपकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी। डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल टाइप ऑफ कनेक्शन, आपका इनके साथ सोल से जुड़ा कनेक्शन है, आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। आई फील लाइक दिस इज़ योर सोलमेट, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट है आपको, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करने वाले, काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर, आपकी और इनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक बॉन्डिंग रहेगी यहाँ पे। बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करेगा ये पर्सन, बहुत अच्छे से आप जो चीज़ें कह रहे हो उनको बहुत अच्छे से सुनने वाला
ऐसा नहीं किसी ने आप कुछ बोल रहे हो तो वो पर्सन अपने दिमाग में डालने की बजाय ऊपर से हवा में उड़ा रहा है। नो, बहुत ध्यान से, केयरफुली, अटेंटिवली सुनेंगे आपकी बात, आप क्या कह रहे हो, और बहुत प्यार से, क्योंकि दिस इज़ अ पर्सन, इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन। नंबर 5 इम्पोर्टेंट हो सकता है, 515 काफ़ी इम्पोर्टेंट नंबर है, एंड मुझे 5 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। आई थिंक इस पर्सन का प्लैनेट मरकरी भी हो सकता है, जेमिनी इन मरकरी और लिब्रा इन मरकरी, बिकॉज मरकरी काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेटिव इंसान होते हैं, मतलब लोग काफ़ी कम्युनिकेटिव होते हैं, तो आई थिंक ये पर्सन कम्युनिकेशन फील्ड से भी हो सकता है। एंड बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का काम है, स्पीकिंग का काम बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी गुड इन स्पीकिंग। कुछ लोगों की यहाँ पे मार्केटिंग से भी मुझे कुछ दिख रहा है, इस पर्सन का मार्केटिंग कोई प्रोफेशन हो सकता है, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, बट कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझे। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग लाइक कि इस पर्सन का स्टार साइन जेमिनाई भी हो सकता है, जेमिनाई इन मर्करी इन जेमिनाई, समथिंग लाइक दिस, बट कम्युनिकेशन फील्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे यहाँ पे। बोलने का काफ़ी ज़्यादा काम है इस पर्सन का, स्पीकर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, अदरवाइज वैसे ही कोई गुड स्पीकर हो सकता है ये पर्सन। या लेट्स सी मोर, ये मैंने उल्टे पकड़ लिए आई थिंक कार्ड। 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, रिलैक्स की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा चिलिंग एनर्जी है गाइज यहाँ पे। यस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करेंगे। यहाँ पे बर्ड्स हैं तो बर्ड्स इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकती है, काफ़ी अच्छी रह सकती है। यहाँ पे एक कपल है अगर आपको देखा जाए यहाँ पे, आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, देयर इज़ अ कपल जो बहुत ही क्लोजली एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और बहुत ही लविंग एक क्वालिटी टाइम आपस में स्पेंड कर रहे हैं, तो काफ़ी चीलिंग करने वाला ये इंसान है, आपको बहुत अच्छे से सुनेगा, बहुत अच्छे से समझने वाली एनर्जी है, और आप इनके साथ काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे और ये भी आपके साथ काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। नंबर 11 डेट ऑफ बर्थ, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लिब्रा इन मून हो सकता है, डेफिनेटली मून इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी केयरिंग एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों को लेकर। यस, आई थिंक ये पर्सन नाइट टाइम काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, नाइट ओवल हो सकता है, यहाँ पर नाइट लवर हो सकता है। यस, और रात के टाइम स्पेशली ऐसे दिख रहा है, ऑब्वियसली दिस इज़ योर ट्रू लव, तो रात के टाइम आपसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन होगी इनकी, और बहुत ज़्यादा हार्टली कनेक्टेड एक एनर्जी मुझे दिख रही है, दिल से दिल कनेक्टेड होगा और बातें दिल से करेगा ये पर्सन। देन वी हैव करेज 43, कुछ लोग 40 प्लस हो सकते हैं, 43 एज हो सकती है, अदरवाइज नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। 7 ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, यहाँ पे एलिफेंट की एनर्जी भी है, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, और काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है, वट एवर मेल और फीमेल, ऐसा नहीं है कि मर्दाना कोई फीमेल होगी, नो, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे ना, बट ऐसी एनर्जी है कि काफ़ी ज़्यादा एक बोल्ड एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी है, अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटली इमोशनली, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन का, मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कोई भी इस पर्सन को किसी के अगेंस्ट ना तो कोई कान भर सकता है, ना अगेंस्ट कोई इंस्टिगेट कर सकता है इस पर्सन को, ये पर्सन की वो एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम कोई अगर इस पर्सन के साथ ज़िद लगाए तो ये ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा होगा। या आपको पता है कि एलिफेंट की एनर्जी क्या होती है। लेट्स सी, मैं टैरो से लास्ट पे देखूंगी। वी हैव लीडरशिप अगेन, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी कहाँ पे थी, अथॉरिटेटिव, या अथॉरिटेटिव थी यहाँ पे, एंड अथॉरिटेटिव भी थी, या अथॉरिटेटिव लीडरशिप, या दिस पर्सन इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड टेक चार्ज, हर चीज़ का चार्ज अपने हाथ में लेने वाला पर्सन है ये, ऐसा नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला, कुछ लोग होते हैं अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, बट ये वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है, दिस पर्सन डेफिनेटली विल टेक अ चार्ज ऑफ एवरी सिचुएशन, एवरी थिंग, आपका चार्ज अपने हाथ में लेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके जो भी इस पर्सन के लाइक इस पर्सन के जो भी राइट्स होंगे आप लोगों को लेकर, ये उसको बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है पूरा करेंगे। देन वी हैव हीलर, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ गाइज, ये लाइट वर्कर हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअली गिफ्टेड हो सकता है दिस पर्सन, कुड बी अ डॉक्टर, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं डेफिनेटली, आप देख सकते हो किसी तरह के सर्जन भी हो सकते हैं इवन। यस, तो या ये हीलर है, ये लोगों की हेल्प करता है गाइज, ये इंसान जो भी है ना आपका ट्रू लव, ये
लोगों की हेल्प करने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने आपको एनर्जी बता दी है, जो भी प्रोफेशन मुझे दिख रहे हैं एनर्जी आ रही है, मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। अब आगे फोकस करना आपका अपना काम है, ठीक है? आपने देखना है क्या आपसे रिलेट हो रहा है या नहीं। एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि फेदर सी है, एंजेलिक टाइप। तो दिस पर्सन इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, और ऐसे लग रहा है एक यूनिवर्स की तरफ से इसको सपोर्ट है, यूनिवर्स इसके साथ है, जैसे एंजल इस पर्सन के साथ है। ये पर्सन जहाँ भी जाता है वहाँ पॉजिटिविटी ले आता है, लोगों को बहुत अच्छे से काउंसलिंग भी करते हैं। एंड आई फील लाइक ये लोगों को इतनी पॉजिटिविटी ये इंसान देने वाला है कि लोग अपनी तकलीफ़ें भी भूल जाते हैं। मैं डॉक्टर है तो फिर तो मैं कहती हूँ कमाल ही है। लेट्स सी, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, योर सोल लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस इट सेल्फ क्रिएटिविटी। दिस पर्सन कुड बी आर्टिस्टिक पेंटर हो सकते हैं, फाइन आर्ट से रिलेटेड कोई काम हो सकता है इस पर्सन का। काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव मुझे ये पर्सन दिख रहा है गाइस। यस, आई थिंक ये पर्सन पेंटर हो सकता है, या फिर किस तरह से कोई ड्राइंग वगैरह करते हैं, फाइन आर्ट्स में है। तो डेफिनेटली समटाइम ये पर्सन अपने इमोशंस को आप लोगों को बताने के लिए ये किसी ना किसी तरह से कोई पेंटिंग भी कर सकते हैं। कोई ऐसी सीनरी बना दी, कोई ऐसा किसी भी तरह से कोई भी ऐसा आर्ट कर दिया कि आपको अपने दिल की बात कह पाए, वैसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। बट यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना एंजल्स की एनर्जी दिख रही है, जैसे ऐसे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एंजल्स से कनेक्टेड रहता है। दिस पर्सन इज़ अ वेरी स्पेशल पर्सन बाय द वे। एंड आई थिंक इस पर्सन को लोग दुआएं भी बहुत देते हैं या और ये बिलीव करता है कि आप किसी के साथ अच्छा करोगे, कोई इंसान आपको दुआ देगा तो आपकी आगे लाइफ में बहुत सारी खुशियां आपको मिलेंगी। एंड दिस इज ट्रू। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, हु इज दिस पर्सन, हु इज योर ट्रू लव एंड हाउ विल यू मीट देम। वी हैव फाइव ऑफ डिस्क, टॉरस वीर्गो कैप्रिकॉर्न, नंबर फाइव अगेन है यहाँ पे। नंबर अगेन इसे नंबर 15, नंबर 15 काफ़ी है। मुझे लगता है गाइज आप दोनों एक दूसरे की मिररिंग एनर्जी है, कुछ लोगों का ये सोलमेट है और कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। दिस इज़ द 14, 4+1, 5। तो डेफिनेटली 15 and 555 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इस पर्सन से मिलने के बाद, आपका कनेक्शन बनना है, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जानी है। सैगिटेरियस एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस एनर्जी है यहाँ पे। यस, एंड फाइव ऑफ डिस्क की एनर्जी है, लोगों को हेल्प करने वाला इंसान है। देन वी हैव एट ऑफ डिस्क, काफ़ी हार्ड वर्किंग है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, दिन रात मेहनत करता है ये पर्सन। एंड आई थिंक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेटल है अपनी लाइफ में, और इस पर्सन ने अपने आप को ज़ीरो से हीरो बनाया है। इनका जेंडर कुछ भी है, क्योंकि इन्होंने पहले पॉवर्टी देखी हुई है, इस पर्सन ने डिफ़िकल्ट सिचुएशन देखी हुई है लाइफ में, काफ़ी डिफ़िकल्टीज देखी हुई हैं, चैलेंजेस देखे हुए हैं, और वहाँ से ये पर्सन ज़ीरो से हीरो बना है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट की एनर्जी है, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। किसी चीज़ की वैल्यू क्या है वो पता है इस पर्सन को, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी टफ टाइम देखा है। देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, या ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये पर्सन का लॉ से जुड़ा कोई काम हो सकता है, अदरवाइज ये पर्सन बहुत ज़्यादा सच बोलता है। ये पर्सन कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी हार्ड वर्किंग है, काफ़ी ज़्यादा किसी भी चीज़ में अगर ये पर्सन अपना कोई भी इनको काम दे दो ना, कोई टास्क दिया तो ये पर्सन अपना जी जान लगा देगा, 110% देगा। तो रिलेशनशिप में तो ऑब्वियसली दिस इज योर ट्रू लव, तो काफ़ी अच्छी क्लियर कम्युनिकेशन होगी, सच बोलने वाला ये इंसान है, ठीक है? किसी भी इंसान को डिफ़िकल्टी में देख के ये उसको सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है? उसकी हेल्प करने वाला इंसान है ये, और आपके साथ जो कनेक्शन है इनका काफ़ी बैलेंस्ड रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, और काफ़ी इन्वेस्ट करेंगे ये अपने आपको आपके साथ इस कनेक्शन में। एंड लास्ट वी हैव द एम्प्रेस, डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी अबंडेंट पर्सन बाय द वे। आप लोगों को लेकर गाइस ये पर्सन आपको अपने दिल की रानी राजा बनाएगा, और काफ़ी लव करेंगे आपको। मैंने आपके फर्स्ट कार्ड से ही नीचे आपको बताया था कि दिस पर्सन आपको बहुत लव देगा। ये पर्सन, दिस पर्सन पुट यू ऑन अ पेडेस्टल, दिस पर्सन गिव्स यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ लव, अ लॉट ऑफ अटेंशन, अ लॉट ऑफ केयर। फैमिली बहुत अच्छी आपकी बनेगी इनके साथ, क्योंकि काफ़ी अबंडेंट, काफ़ी ग्रोथ है, और काफ़ी वेल्थी है आपकी इनके साथ लाइफ में आने के बाद। जब आपका लव स्टार्ट होना है, जब आपने इनसे मिलना है, मैं अभी आपको टैरो से देख, मैंने डिफरेंट कार्ड यूज़ करने हैं कि आप मिलोगे कैसे,
मैं आपको वो भी बताती हूँ, बट आपने जब इनसे मिलना है, जब इनकी आपकी लाइफ में एंट्री होनी है, योर लाइफ विल बी टोटली चेंज्ड। आपकी बैलेंस एनर्जी होनी है, चाहे इस टाइम आप इग्नोरेंस फील कर रहे हो, किसी भी तरह से डिफ़िकल्टीज में हो, आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन आपकी लाइफ टोटली बैलेंस्ड हो जानी है। आपका पेशेंस फाइनली आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। बट ये बहुत ही क्लैरिटी से बात करता है ये पर्सन, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, नंबर 3, नंबर वाइन हो सकता है ये पर्सन के बालों का कलर हो सकता है, हेयर्स का कलर वाइन, या फिर ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन या तो इसको वाइन बहुत पसंद है या नहीं पसंद है, दोनों में से एक चीज़ है, मतलब नथिंग इज इन बिटवीन, या तो कोई चीज़ पसंद है या नहीं है, क्लियर कट। बट ये जो भी इंसान है ना, स्पेशली इफ़ दिस पर्सन इज़ अ फीमेल, वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पे आर्टिस्टिक एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको ऑलरेडी नीचे भी काफ़ी एनर्जी से बताया, एंड आई थिंक कि ब्यूटिशियन हो सकती हैं, मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप में काफ़ी अच्छे, क्योंकि स्किलफुल एनर्जी है नीचे, आर्टिस्ट इस पेंटिंग की एनर्जी थी मैंने आपको बताया। जो लोग फाइन आर्ट्स में अच्छे होते हैं वो डेफिनेटली काफ़ी क्रिएटिव हैं, तो वो मेकअप स्किल्स भी उनकी काफ़ी अच्छी हैं, तो ये इंसान की है मेकअप स्किल्स अच्छी। बट बहुत ही मदरली एनर्जी है, बहुत ही केयरिंग एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो की हुई एनर्जी है। अब देख लेते हैं आप इनसे मिलोगे कैसे। अच्छा, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं। 6 मैंने कह दिया, नंबर 15 एंड नंबर 5, 555 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड टेट्रा 5 5 5 5 5, ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 5 हमारे पास क्या बात करता है, चेंजिंग की बात कर रहा है यहाँ पे, कि जो भी आपकी लाइफ है वो चेंज हो जाएगी इनसे मिलने के बाद। कम्युनिकेशन बहुत स्किल्स अच्छी हैं इस पर्सन की, मुझे लगता है ये पर्सन जो है ना बड़ी अच्छी बात करते हैं, डीलिंग बड़ी अच्छी है लोगों से। लेट्स सी ग्रुप 1 कैसे मिलेंगे, अपने ट्रू लव को मिलेंगे कैसे, ग्रुप 1 कैसे मिलेंगे। वैसे मुझे लग रहा है अभी तक कि आप लोग इनको थ्रू वर्क मिलोगे। वी हैव 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कैसे मिलेंगे ग्रुप 1 अपने ट्रू लव से, कैसे मिलेंगे। द मून, या आप अपने इमोशनल फेस में जब होगे तब मिलोगे। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली गाइज यहाँ पे एनर्जी ये दिख रही है, या तो आप इनसे किसी तरह की कोई हीलिंग के लिए जाओगे, थ्रू वर्क मिलेगा, या फिर आपकी इनसे काउंसलिंग होगी, या आपको बैलेंस करेंगे, या आपको सब्र करना सिखाएंगे, मुझे यहाँ पे ऐसी लग रही है मीटिंग। अदरवाइज कुछ लोगों की सिचुएशन ये है, जब अपनी लाइफ के बहुत ही पीक पॉइंट पे होगे, बहुत ही इमोशनल फेसेस में होगे, जब आपको समझ नहीं आ रही होगी, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होंगी, बहुत ज़्यादा फेयर्स होंगे, ट्रस्ट इशूज़ होंगे, तो ये आपको बैलेंस करेंगे वहाँ से, और आप तब मिलोगे थ्रू योर वर्क, ये आपकी हेल्प करेंगे किसी तरह से। अपनी लाइफ में आप मूव ऑन कर रहे होगे किसी चीज़ से, या फिर आपको उस इमोशनल इमोशनली जो आपको चीज़ें ड्रेन कर रही हैं ना, आप उधर से निकलने के लिए आप इनको सर्च करोगे। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ अ हीलर प्रोफेशन, मैंने आपको बता दिया, या तो लॉ से जुड़ा कोई काम करते हैं, आपकी वहाँ पर मीटिंग हो सकती है इनसे, लाइक कोर्ट, किसी कोर्ट में, या फिर इस जगह पर। यस, एंड स्पेशली मुझे यहाँ पे दिख रहा है थ्रू योर वर्क आप मिलोगे, लाइक इनका कोई वर्क हो सकता है, आपको उस चीज़ में उनकी हेल्प चाहिए, लाइक आपको बताया काउंसलिंग करवानी, यू नो हीलिंग करवानी, या किसी तरह से कोई काम करना, आपका कोई ऑफिस है, कोई बिजनेस है, वहाँ पे आपकी मीटिंग हो सकती है इनसे, या फिर आप लोग समहाउ कहीं ना कहीं अगर रिलोकेट कर रहे हो किसी जगह पे, यू नो एक जगह से छोड़ के आप दूसरी जगह मूव कर रहे हो, वहाँ पे भी आपकी मीटिंग मुझे दिख रही है इनसे। लेकिन अब आपने बहुत ज़्यादा खुद केयरफुली देखना है कि आपने मिलना कैसे है, क्योंकि आपको अपनी अक्ल भी यूज़ करनी है ना यहाँ पे, विस्टम आपको यूज़ करनी है। अगर आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ कर लोगे तो यू विल डेफिनेटली फाइंड दिस पर्सन। ओके, नंबर 8, नंबर 17 18, नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ये पर्सन का फेवरेट कलर ब्लैक भी हो सकता है, हो सकता है जब आप फर्स्ट टाइम इनसे मिलो, या तो इस पर्सन ने ब्लैक कलर पहना होगा या फिर आपने। यस, बट आप इनको किसी हेल्प
के थ्रू मिलोगे, लाइक या तो आपको इनकी हेल्प चाहिए होगी तब आप मिलोगे इनको, या आपकी कोई हेल्प करेंगे. या सो दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय. हेलो ग्रुप टू. सो गाइस, अगर आप लोगों का ग्रुप टू में आपके डेट ऑफ बर्थ है, आपने ग्रुप टू चूज़ किया है, सो देखेंगे हु इज़ योर ट्रू लव एंड आप उनसे मिलोगे कैसे, हाउ विल यू मीट विद दैम. सो लेट्स सी, दिस इज़ योर थीम कार्ड. अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल. एंड अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंशन है. स्पेशली इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश टैरो रीडिंग्स, सो यू हैव टू मस्ट फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड प्लीज़ बी एक्टिव ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज फॉर मोर मोटिवेशंस. लेट्स सी, दिस इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन. काफ़ी ब्लूइश एनर्जी है, काफ़ी ब्लैकिश एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में डार्कनेस से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी है इस लव से. यस, ऐसा लग रहा है जैसे टू बॉडीज एंड वन हार्ट वाली एनर्जी है. काफ़ी सूथिंग एनर्जी है, मतलब वाइब्रेशन है. जैसे इनसे मिलने से पहले आपको किसी ना किसी तरह से या तो टेलीपैथी कनेक्शन फील होगा किसी इंसान से, या ड्रीम्स में आना स्टार्ट हो जाएगा कोई इंसान, एंड अदरवाइज आई फील कोई वाइब्रेशन फील होगी. काफ़ी मूड स्विंग्स होना, काफ़ी यू नो विदाउट एनी रीज़न ग्रम्पीनेस, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है. यस, या काफ़ी इमोशनल ब्रेकडाउन सा, तो आप बिला वजह ऐसे ही बैठे बैठे एकदम से रोना स्टार्ट कर देना, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन एनर्जी है. एनी हाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज बिहाइंड दिस कार्ड. वी हैव बी वेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग, या फॉर द क्वालिटीज एंड यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज यू बोथ पजस equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. There is a twin flame connection. Mirroring energy है, this is a very high vibration. 5D level पर आपका connection इस person के साथ है कहीं ना कहीं. हो सकता है अभी आपको dreams में भी आता हो या telepathy कोई ना कोई connection किसी से महसूस होता है, but ये twin flame union है. आप दोनों एक दूसरे को mirror कर रहे हो, projecting की energy है. Yes. एडमायर काफ़ी ज़्यादा होगी, क्वालिटीज़ भी अच्छी हैं आप दोनों की, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट है एनर्जी का इस. आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, जो इस टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है, जो आप फील कर रहे हो. दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन, या जब आप मिलोगे फर्स्ट इंटरेक्शन, आई थिंक यू गाइज विल बी शॉक. एनर्जी हाई है, दैट्स वाई आपको शायद पता नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों है, बट अगर आपको, अगर आपने पहले रीडिंग देख ली है तो जब आप मिलोगे तो फिर आपको यू नो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ. या सो लेट्स सी मोर ग्रुप टू. We have Virgo, the alchemist. ये person scientist हो सकता है, alchemist की energy है, तो definitely कोई ना कोई homeopathic, या फिर ये person scientist हो सकता है. जैसे कुछ creation की energy है, like laboratory में काम करते हो सकते हैं ये, मेडिकल फील्ड्स है लेकिन लेबोरेटरी में काम करते होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है. कुछ क्रिएट करने की एनर्जी, अल्केमिस्ट, न्यू फॉर्मूलास प्रिवेंट इन्वेंट करना, सॉरी, ऐसी एनर्जी दिख रही है. विर्गो स्टार साइन हो सकता है इनका, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है. विर्गो तो काफ़ी मूड स्विंग्स हो सकते हैं इनको, काफ़ी मूडी टाइप का इंसान लग रहा है मुझे ये, जो भी है आपका ट्रू लव का इस. मुड्डी. देन वी हैव सन, एसेंस एंड पर्सनैलिटी. काफ़ी ज़्यादा हॉट एनर्जी है इस पर्सन की, पर्सनैलिटी जो है ना
सन की एनर्जी है, सन इज रू सन इज ऑल अबाउट लियो, तो लियो की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड सन जो है वो नंबर वन की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे दिस पर्सन इज़ अ वेरी हॉट टेम्पर, दैट्स वाई मैंने आपको बोला ये मूडी पर्सन है, हॉट टेम्पर है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं ये, गुस्सा काफ़ी आना, एकदम ऐसे गुस्सा आया एक मिनट दूसरे पल में ठीक भी हो गया, ऐसी एनर्जी है, काफ़ी वाइब्रेंट एनर्जी है, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मतलब इस पर्सन की पर्सनैलिटी अथॉरिटेटिव है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अपना जब दिल चाहना किसी से बात करना, जब दिल चाहना ना करना, आई एम नॉट गाइज, मैं आपको किसी भी तरह से डराना नहीं चाहती हूँ, बट एनर्जी आ रही है, ज़रूरी नहीं है, आगे देखते हैं कहाँ पर जाती है आपकी ड्रीम, बट एनर्जी दिख रही है ऐसे, काफ़ी रोब वाली एनर्जी है. एंड देन वी हैव चिरॉन, इनर हीलिंग, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग हुई हुई है इस पर्सन की, हील्ड है अंदर से ये पर्सन, किसी भी तरह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बट हाँ वैसे ही नेचर कुछ लोगों की होती है, मूडी होती है नेचर, कभी अच्छा हो जाना, कभी एकदम से अग्रेसिव हो जाना, कभी गुस्सा आ जाना छोटी छोटी, ऐसा नहीं है कि दिल का अच्छा नहीं है, जिन लोगों को गुस्सा आता है वो दिल के भी उतने ही अच्छे होते हैं, दिल के बिल्कुल साफ होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड होता है उनका, तो इनर हीलिंग है, हीलिंग हुई हुई है इस पर्सन की, दिस पर्सन इज़ अ वेरी हैप्पी पर्सन, बट पर्सनैलिटी यहाँ पे सन की होती है, तो सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अग्रेसिव एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ जो भी दिल में है वो बोल देने वाली एनर्जी है, किसी को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा वो बात की बात है, वो अगले बंदे पे डिपेंड करता है, भाई तुम्हें बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, बट ये ऐसी एनर्जी दिख रही है, लेट्स सी मोर कैसी पर्सनैलिटी होगी ग्रुप टू. वी हैव डॉग, ऑनेस्टी, फेथफुलनेस एंड डिपेंडेबिलिटी, यस काफ़ी ऑनेस्ट एनर्जी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं कि बुरे हैं ये जो आपके ट्रू लव होंगे, डॉग की एनर्जी है, तो डॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा आपकी आपके साथ इनका काफ़ी ज़्यादा एक लॉयल फ्रेंड टाइप का कनेक्शन होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी है, एंड आई थिंक ये आपको बहुत अच्छा गाइड भी करेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आपको बहुत अच्छे से ये गाइड करेंगे, क्योंकि काफ़ी ऑनेस्ट एनर्जी है इनकी, दैट्स वाई. या सन जहाँ पे बात करता है काफ़ी बोल्ड एनर्जी की, वहाँ पे क्लैरिटी की बात भी करता है, तो ये पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू माइंड काफ़ी क्लियर है, जो बात करेंगे विद क्लैरिटी बात करेंगे, कोई झूठ वाली एनर्जी नहीं है, और ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है किसी भी इंसान में सच्चाई कितनी है, तो दिस पर्सन इज़ अ वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन, बेसिकली ट्रस्ट करना बड़ा आसान होगा इस इंसान पर, और ना तो ये झूठ बोलने वाली एनर्जी है ना ही झूठ सुनने वाली एनर्जी है भाई. या वी हैव टाइगर, विल पावर, स्ट्रेंथ एंड रिजॉल्व, या काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ऐसे दिख रही है, काफ़ी पावरफुल है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बड़ी स्ट्रेंथ वाली एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, लियो स्टार साइन हो सकता है इस पर्सन का, बहुत ही फायरी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड है, लाइक किसके साथ सॉफ्ट रहना है, किसके साथ झगड़ा करना है वो अगले बंदे पर डिपेंड करता है इस इंसान के सामने, लाइक आप इनको जो दोगे ये आपको वो देंगे, बड़ी पैशन पावर वाली एनर्जी है, मतलब दिस पर्सन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय द वे, मेंटली हार्टली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्टेबल एनर्जी है, आप इनको जिस तरह ट्रीट करोगे ये आपको सेम एज इट इज़ वैसे ट्रीट करेंगे, लव शो करोगे लव शो करेगा, ईगो शो करोगे ईगो शो करेगा, अपना एरोगेंट किसी भी तरह से सॉफ्ट साइड शो करोगे सॉफ्ट साइड शो करेंगे, अगर आप किसी तरह से इनसे कोई ज़िद लगाओगे तो ये उससे ज़्यादा ज़िद लगाने वाला पर्सन है, वट एवर मेल या फीमेल, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से इस पर्सन को ट्रीट करोगे. देन वी हैव शार्क, कंपैशन, प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट, यस ये टाइम के साथ साथ अपने आप को चेंज करने वाले इंसान है, ऐसा नहीं है कि एक अगर ज़िद्दी है तो हमेशा ज़िद्दी ही रहेगा, अगर हुश है तो हमेशा हुश ही रहेगा, नो, इम्प्रूवमेंट वाली एनर्जी है, अपने आप को विद टाइम चेंज करने वाली एनर्जी है, एंड काफ़ी ज़्यादा थर्ड आई चक्रा ओपन है इस पर्सन का, काफ़ी इंट्यूटिव दिख रहे हैं. यहाँ पे शार्क की बात हो रही है, तो शार्क डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी है, तो पाइसिस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है, लियो स्टार साइन हो सकता है, एंड ये अपनी गट फीलिंग्स पे अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करने वाला इंसान है, अगर किसी इंसान से बैड एनर्जी आ रही है तो ये उस पर ट्रस्ट करने वाली एनर्जी है, ऐसा नहीं इग्नोर करने वाली, कुछ लोग होते हैं जो उनका थर्ड आई चक्रा क्या बोल रहा है, गट फीलिंग्स बोल रही हैं उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते, ये पर्सन ट्रस्ट करने वाला है उस पर, या और उसी बेस पे ये दूसरों को ट्रीट करता है बंदा,
या बंदी जो भी इनका आप कह लो कि स्टार साइन है, ठीक है। सो लेट्स सी मोर, देखते हैं मजीद, हु इज़ योर ट्रू लव। यिन एंड यांग 36, या ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ये जो भी इंसान है ये आपका ट्विन फ्लेम है। तो यिन एंड यांग आप दोनों एक दूसरे से, कुछ लोग डेफिनेटली एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। यस, यिन एंड यांग, एक इंसान काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है और एक फेमिनिन एनर्जी में है, तो डेफिनेटली यिन एंड यांग का कनेक्शन है। यू गाइस विल डेफिनेटली कंप्लीट ईच अदर, आप इनको कंप्लीट करोगे या आपको कंप्लीट करेंगे। 36 एज नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है इस टाइम, आप दोनों एक दूसरे के बिना काफ़ी ज़्यादा अकेले हो गाइस। या दिस इज़ अ वाटर एंड दिस इज़ अ फायर, फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है। या आई थिंक मैं आपको स्टार्टिंग से ये बात बता रही हूँ, मैंने आपको इस कार्ड की पिक्टोरियल से ही बता दिया था ये। तो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। देन वी हैव 23 मेच्योरिटी, दिस पर्सन इज़ अ वेरी मेच्योर पर्सन। यस, राइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा स्टडी करते होंगे, हो सकता है ये पर्सन को लाइब्रेरी जाना काफ़ी पसंद है, बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करते होंगे। एंड आई थिंक इनके जो भी एल्डर हैं वो इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, चाहे इस पर्सन के एल्डर दुनिया में हैं या नहीं है, लाइक फोर फादर्स उनकी बात हो रही है। यस, 23 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 2+3 5, नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यस, अगर आप इनके साथ बहुत ही अच्छे रहोगे ना तो बहुत इजी गोइंग इंसान है ये, जो भी है मैच्योर है ये पर्सन, चाहे ये छोटी है बड़ी है, आपसे यंगर है आपसे ओल्डर है, मैच्योर है ये इंसान। मेंटली इमोशनली दिस पर्सन इज़ अ वेरी स्टेबल एंड मैच्योर पर्सन, ठीक है। सो लेट्स सी मोर, मज़ीद देखते हैं, हु इज़ योर ट्रू लव, वी हैव सेट योर इंटेंशंस नंबर 30। यहाँ पे लोटस की एनर्जी है, यहाँ पे बटरफ्लाइज की एनर्जी है, तो डेफिनेटली नंबर 30 है यहाँ पे, तो 30 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इनकी इंटेंशंस काफ़ी ज़्यादा प्योर हैं गाइस, आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक चेंजिंग वाली एनर्जी है, एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है। आई थिंक आपकी लाइफ इस टाइम जो भी चल रही है, इनको मिलने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आएंगी और ये आपको अपने अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, जैसे ये हैं आप वैसे हो जाओ। अगर इंटेंशन किसी चीज़ को लेकर आपकी बुरी भी होगी तो दिस पर्सन रियली वांट्स कि आप उस चीज़ को चेंज करो, पॉजिटिव हो। लेट्स सी, वी हैव गाइडेंस इज़ गोल्डन, दिस पर्सन इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा गाइडिंग की एनर्जी है, ये पर्सन आपको गाइड करेगा। आई थिंक मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि ये पर्सन आपको गाइड करेगा, तो गाइडिंग की एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर डॉग की एनर्जी भी है। 42 एज हो सकती है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे इस पर्सन का, तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी वाली एनर्जी है। गोल्डन कलर इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब फेवरेट कलर हो सकता है। अगर ये फीमेल है तो इसको गोल्ड पहनना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, यहाँ पे ये एनर्जी भी है, बट ये अपने दिल से बहुत ही सिंसेयरली से आपको गाइड करेंगे हर चीज़ में। वैसे भी मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा लोगों को गाइड करते हैं और बहुत ही सिंसेयरिटी से, बहुत ही ऑनेस्टी से गाइड करते हैं, मतलब बाय हार्ट ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा है, चाहे नेचर कुछ भी है बट हार्ट फुली काफ़ी इस पर्सन का गोल्ड का हार्ट है। या सो लेट्स सी मोर, वी हैव टीचिंग, ये पर्सन टीचर हो सकता है, यू इंस्पायर यंग पीपल टू लर्न। यस, ये पर्सन टीचर हो सकता है, यस यहाँ पे एनर्जी है, ये पर्सन टीचर हो सकता है एंड प्रोफेसर भी हो सकता है गाइस, ये पर्सन यहाँ तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाता है। यस, लेकिन ये पर्सन जो भी है ना, इसकी बच्चों के साथ बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे। वी हैव लाइट एंड लव, योर पर्पज़ इज़ टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग लाइट एंड लव टू दिस वर्ल्ड। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लविंग है, दुनिया में आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा रोशनी देंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देंगे आपको, एंड आई थिंक ये पर्सन आपको प्यार बहुत ज़्यादा देगा। यस, चाहे नेचर कुछ भी है, क्योंकि ये लविंग भी बहुत ज़्यादा है ये इंसान, तो जो आप दोगे वो देंगे आपको, लेकिन इनकी कोशिश होगी कि आप इसको लव भी दो, पॉजिटिविटी दो, ताकि ये भी आपको बदले में वही चीज़ दें। आर्टिस्ट, इंगेजिंग इन आर्टिस्ट एक्टिविटीज़ इज़ बेनिफिशियल टू योर करियर एंड एवरी अदर एरिया ऑफ योर लाइफ। आर्टिस्ट हो सकता है, ये पर्सन काफ़ी मल्टी टैलेंटेड है, एंड आई थिंक दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली डूइंग अ मल्टीपल जॉब्स,
काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल एनर्जी है, दैट्स वाई आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकता है ये पर्सन, फाइन आर्ट से जुड़ा काम हो सकता है, या किसी तरह से क्रिएशन की एनर्जी है। जैसे होता है ना कुछ लोग मिक्सिंग करके एक कलर को दूसरे कलर में मिक्स करके तीसरा कलर बनाते हैं, समथिंग लाइक दिस, कोई चीज़ इन्वेंट करने वाली एनर्जी। आई थिंक मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया, काफ़ी आर्टिस्टिक एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है एंड डिवाइनली गाइडेड है ये पर्सन ऑब्वियसली। या सो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ दिस पर्सन एंड हाउ विल यू मीट दिस पर्सन, ये भी मैं देखूंगी, बट देखते हैं इधर क्या है। क्वीन ऑफ वांड्स, इट्स एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी, मैजिशियन, देन वी हैव द सन, देन वी हैव नाइन ऑफ वांड्स एंड देन वी हैव द वर्ल्ड। 21 एज, नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, नंबर 10, 101 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 39, 31 एज हो सकती है इस पर्सन की, एंड आई थिंक 111 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप देख लें कैसे आपसे रेजोनेट हो रहा है। लियो सैजिटेरियस, एरीज लियो सैजिटेरियस, जेमिनी, वर्गो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायरी एनर्जी, यस क्रिएशन की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ अ वेरी गुड मैनिफेस्टर एंड आई थिंक या तो ये पर्सन अभी दूर है, यस ये पर्सन दूर हो सकता है आप लोगों से इस टाइम। आई थिंक इस पर्सन का आपसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है, ट्रैवल इन्वॉल्व है गाइस इस पर्सन का और आपके दरमियान, बट इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिस पर्सन इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन बाय द वे, यस एंड आई थिंक यहाँ पे गाइस ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लुक में चार्मिंग है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी ज़्यादा विजडम है इस पर्सन में, काफ़ी नॉलेज है, बट एट द सेम टाइम एरोगेंट भी बहुत ज़्यादा है। जब भी इस पर्सन में आई थिंक कुछ ना कुछ जैसे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की या फिर एक चीज़ की जैसे किसी तरह से वीकनेस हो रही है, इस पर्सन की एनर्जी ड्रेन हो गई है, तो ये पर्सन साथ ही में अपने आप को स्पिरिट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लेता है ताकि इस पर्सन की एनर्जी वहाँ से ज़्यादा बूस्ट अप हो सके। दिस पर्सन इज़ अ वेरी गुड मैनिफेस्टर, आर्टिस्ट है, साइंटिस्ट फील्ड से हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है ये पर्सन, बहुत अच्छा आप कह लो कि मैनिफेस्टर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बट आई थिंक ये पर्सन कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करता है। ग्रुप वन में भी ये चीज़ थी, हो सकता है आप लोगों ने ग्रुप वन भी देखा है या फिर हो सकता है आप वो देख लीजिए, आपसे वो भी रेजोनेट हो सकता है, बट आई थिंक काफ़ी हद तक एनर्जी मुझे मिलती जुलती दिख रही है वहाँ से, यस बट आई थिंक आप लोग इनसे ऐसा लग रहा है काफ़ी बार मिलोगे या कुछ लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं इस पर्सन से, यस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है यहाँ पे मुझे दिख रही। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही गुड लुकिंग है, अपनी लाइफ को इन्जॉय करने वाला है और ऐसा ही इंसान ही अपनी लाइफ में भी चाहेगा। आपका लव तभी इस पर्सन के साथ सक्सेसफुल होगा अगर आप भी ऐसे ही इनकी पर्सनैलिटी को कंपैटिबल करोगे, अदरवाइज फिर लव चल नहीं पाएगा। यस इस पर्सन को ऐसा इंसान चाहिए जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव बंदा चाहिए नहीं इस पर्सन को अपनी लाइफ में। देख लेते हैं आप मिलोगे कैसे, मैं कुछ मजीद देख लेती हूँ, बट इस पर्सन की पर्सनैलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, अपनी एनर्जी अपने आप में ये पर्सन एक होल है, एक कम्प्लीटनेस है इस पर्सन की एनर्जी में। इनको भी इस पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी है जैसे मैं खुद कम्प्लीट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन इस टाइम सिंगल भी है तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, सक्सेस बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के पास। आई थिंक दिस पर्सन वुड बी अ ट्रैवलर, या एनर्जी ट्रैवलर की मुझे दिख रही है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने दुनिया बहुत घूमी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा विजिटिंग की एनर्जी है, या ये तो बहुत ज़्यादा विजिटर हो सकता है, डिफरेंट कंट्रीज़ इस पर्सन ने ट्रैवल किया है, उन उधर एक काफ़ी एक्सपीरियंस है इस पर्सन को, तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग इसने देखे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, दैट्स वाई ये पर्सन काफ़ी मेच्योर है, चाहे इस पर्सन की एज छोटी है या वट एवर जो भी है, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी की एनर्जी है, बट काफ़ी ज़्यादा सेक्सी, काफ़ी गुड लुकिंग, काफ़ी हैंडसम एनर्जी है इस पर्सन का। कलर मुझे कुछ लोगों की तरफ बहुत ही डार्क दिख रहा है, कुछ लोगों का बहुत फेयर है तो बहुत ही फेयर है एक्स्ट्रा, अगर डार्क है तो बहुत ही एक्स्ट्रा डार्क है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स,
ग्रुप टू कैसे मिलेंगे अपने ट्रू लव से. सेवन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आप वेट कर रहे हो गाइस. किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड. आपको लग रहा है पता नहीं आपने मिलना भी है या नहीं मिलना, बट ये जो भी आपका ट्रू लव है इससे आपकी शादी है. दिस इज़ अ रियूनियन. आई थिंक मुझे लग रहा है आप बहुत बार पहले मिल चुके हो इस इंसान से, पर शायद आपको पता नहीं है कौन है ये. यस, आप वेट कर रहे हो कि आपने मिलना भी है कि नहीं मिलना, या आपकी लाइफ में कोई ट्रू लव है भी है या नहीं है, बट आई थिंक आप ऑलरेडी मिल चुके हो इस इंसान से. अगेन 11-11 की एनर्जी है, तो दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम यूनियन बाय द वे. थ्रू वर्क मिलोगे, किसी पार्टी, किसी फंक्शन, किसी मैरिज में मिल सकते हो, किसी बर्थडे पार्टी में, किसी कम्युनिटी इवेंट में मिलोगे, बट आई थिंक आपके इवेंट में मिलने की एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. एंड दिस इज़ अ कमिटमेंट एनर्जी, एक न्यू किसी तरह से कोई चीज़ लाइफ में आने की एनर्जी है. दिस पर्सन इज़ अ वेरी अबंडेंट पर्सन, वेरी सेटल एनर्जी, वेरी सिक्योर एनर्जी, तो काफ़ी ग्राउंडेड इंसान है ये जो भी है. तो काफ़ी मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको बहुत जल्दी इनसे मीटिंग है आपकी, विद इन 4 वीक्स या 4 मंथ में आपकी मीटिंग है इस इंसान से, बिकॉज आप वेट कर रहे हो. कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स भी लग सकते हैं, बट मोस्टली प्रोबेबली मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं 4 मंथ या 4 वीक्स. यस, या कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है थ्रू वर्क भी मिलो. बट आई थिंक आप लोग इस टाइम काफ़ी सर्चिंग वाली सिचुएशन में हो, ढूंढ रहे हो कि कब कोई आएगा आपको ऑफ़र देगा, तो ऑफ़र आती हुई मुझे दिख रही है. बट अपने आप को हील बैलेंस करने की ज़रूरत है गाइज, आपको मेडिटेशन करके थोड़ा बैलेंस करें खुद को. यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.